आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चेरी केक। इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। 50 ग्राम मक्खन ठंडा होना चाहिए, 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 अदद अंडे ठंडे होने चाहिए, फ्रिज में रख लीजिएगा। कैस्टर शुगर 50 ग्राम, मैदा 50 ग्राम, मक्खन मैदा और चीनी इक्वल क्वांटिटी में आपने यूज़ करनी है। अगर आपने बैटर ज़्यादा प्रिपेयर करना है तो आप 100-100 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल में आप मक्खन ऐड करें, कैस्टर शुगर ऐड करें और बीटर से इसको बीट करें। इतना अच्छा आपने बीट करना है कि क्रीमी टेक्सचर आ जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चम्मच से आप इसे मिक्स कर दें। ये देखिए जो क्रीमी टेक्सचर आ चुका है, इट्स डन। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप कोई भी स्पैचुला यूज़ करके अच्छी तरह से बीट करें कि इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाए। बीटर नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, आपका केक फिर भी बन जाएगा, बट आपने बीट बहुत अच्छी तरह से करना है। अब आप इसमें अंडे ऐड करते जाएं। पहले एक अंडा ऐड करें, अच्छी तरह बीट करें, फिर से एक अंडा ऐड करें और फिर इसे अच्छी तरह से बीट करें। दोनों अंडे आपने एकदम से ऐड नहीं करने। मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स करके एक साइड पे पहले ही रख लें। अब ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है, बीटर का काम खत्म है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड करें अब और स्पैचुला से इसे मिक्स करते जाएं। यहाँ पे मैंने एक कप चेरीज लिए हैं, इसके मैंने सीड्स अलग कर लिए हैं। अब मैं इसे टिश्यू पे स्प्रेड कर देती हूँ।
और यहाँ पे कुछ चेरीज मेरे पास डेकोरेशन के लिए हैं। चेरीज के सीड्स अलग कर लें और टिश्यू पेपर पे स्प्रेड कर दें ताकि सारा जूस इसका एब्जॉर्ब हो जाए। बैटर रेडी है, अब आप इसमें चेरीज ऐड करें। मेक श्योर चेरीज को पहले आपने टिश्यू पे स्प्रेड कर देना है ताकि उसका जूस एब्जॉर्ब हो जाए, अदरवाइज केक का सारा कलर खराब हो जाएगा। अब मैं इसे पैन में ऐड करती हूँ। पैन को मैंने ग्रीस कर दिया है, बटर पेपर लगा दिया है। अब मैं इसमें बैटर ऐड करूँगी। केक बैटर को लेवल करके अब आप कोई भी नट्स इस पर स्प्रेड कर दें। नट्स आप अपनी मर्जी के भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ऑलमंड यूज़ कर रही हूँ। वन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसे हाफ एन आवर के लिए बेक करेंगे, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बेकिंग अपने अवन के अकॉर्डिंग किया करें। आपको पता है कि आपके अवन का क्या टाइम है, कितनी देर में वो बेक कर देता है, सो इट्स अप टू यू। केक 80% बेक हो जाए तो आप इसे निकालें, निकाल के चेरीज इस पे रखें, जिस तरह आप केक को डेकोर करना चाहते हैं डेकोर करें। दोबारा से इसको 10 मिनट के लिए बेक करें, देन इट्स रेडी। चेरी केक रेडी है, आपने इसे फ़ौरन से नहीं पैन से निकालना, इसको घंटे के लिए रख दें, ठंडा होने दें, फिर इसे पैन से निकालें। पैन से निकालने के बाद मज़ीद इसको आप 45 मिनट से ठंडा होने दें, फिर आप इसे कट करें। चेरी केक रेडी है, आप इसे ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कीप वॉचिंग मम्स किचन सीक्रेट्स। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।